सर्वेभ्यो नमो नमः। SCERT द्वारा संचालित पढ़ई तुहर द्वार के इस ऑनलाइन कक्षा में मैं श्रीमती अंजना साव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आप सभी इस पढ़ई तुहर द्वार ऑनलाइन कक्षा का निश्चित रूप से लाभ ले रहे होंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहे होंगे। पढ़ई तुहर द्वार के इस ऑनलाइन कक्षा के कड़ी में आज हम विषय का प्रारंभ करने जा रहे हैं संस्कृत भाषा से। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठवीं संस्कृत के सुरभि के पाठ 13 शोभनम उपवनम का अध्ययन करने जा रहे हैं। शोभनम उपवनम का अर्थ होता है सुंदर बगीचा। बच्चों, आप तो कई बार बगीचा गए होंगे, वहां तरह तरह के झूलों में झूले भी होंगे और साथ ही वहां तरह तरह के पौधे फूल पत्तियों को देखे होंगे और खूब खेले भी होंगे। आप सभी को बहुत मजा भी आया होगा। तो देखिए बच्चों, इस चित्र में शोभनम उपवनम जो है यह रायपुर के गांधी उद्यान का चित्र है। देखिए वहां कुछ लोग बैठकर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, झूले भी लगे हुए हैं और सभी बच्चे वहां आते हैं और खूब मजा करते हैं, मस्ती करते हैं और खेलते भी हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ शोभनम उपवनम में सर्वप्रथम तो विभिन्न दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कई वस्तुओं को भी देखेंगे और साथ में जानवरों के नाम, पशु पक्षियों के नाम को देखते हुए इसके एक एक शब्दों के अर्थ को समझते हैं और यहाँ पर इदम का शब्द रूप भी प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इस पाठ में। इस पाठ के देखिए यहाँ भी एक नीचे में बगीचा दिखाया गया है और वह उद्यान कितना सुंदर है, जिसे संस्कृत में उपवन कहा जाता है। देखिए बच्चों, इस स्लाइड के प्रथम पंक्ति में इदम उपवनम, इदम जो है वह सर्वनाम है। इदम का अर्थ होता है यह। उपवनम, उपवनम का अर्थ होता है बगीचा या उद्यान। देखिए बच्चों, यहां पर उपवनम जो है वह नपुंसक लिंग का पद है। हमारे संस्कृत के व्याकरण शास्त्र में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो उपवनम शब्द जो है वह नपुंसक लिंग का शब्द है। तो इसके साथ इदम जो शब्द है उसका नपुंसक लिंग का पद जुड़ा हुआ है। तो यहां है इदम उपवनम। और देखिए बच्चों, यहां इस वाक्य में अस्ति नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इदम उपवनम का अर्थ होगा यह उपवन है। यहां पर अस्ति लिखना आवश्यक नहीं है। इस पंक्ति में इदम और उपवन, उपवनम, यह दोनों शब्द ही इस पंक्ति को पूर्ति कर देते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। तो यहाँ दूसरा और इसकी एक विशेषता है कि उपवनम जो है वह संज्ञा है और इदम जो है वह सर्वनाम है। तो इस पंक्ति में संज्ञा के साथ सर्वनाम पद का भी उपयोग किया गया है। इदम उपवनम, यह उपवन है। मनोहरम इदम उपवनम, इस पंक्ति में भी देखिए बच्चों, सभी शब्द मनोहरम इदम उपवनम, तीनों शब्द नपुंसक लिंग के पद हैं और मनोहरम जो है वह विशेषण है। मनोहरम का अर्थ होता है सुंदर और मनह धन हरम, यहां पर विसर्ग संधि भी है। मनोहरम अर्थात सुंदर, इदम यह उपवनम, उपवन, उपवन, उपवनम शब्द यह भी नपुंसक लिंग का पद है। तो यह सुंदर उपवन है, यह सुंदर बगीचा है। इसके बाद हम देखते हैं यहां इदम जो है वह मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है यह। यह सर्वनाम है और इसका जब स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तो
इदम का एक वचन में इयम होता है, द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमा हो जाता है। अर्थात इसकी यह प्रथमा विभक्ति का पद लिया गया है इदम, यह स्त्रीलिंग, यह इयम, इमे, इमा। इसी तरह लता जो है वह भी स्त्रीलिंग का पद है, और लता का जब हम शब्द रूप लिखते हैं प्रथमा विभक्ति में तो एक वचन में लता, लता का अर्थ होता है एक लता, द्विवचन में लते, दो लताएं, बहुवचन में लता, बहुत सारी लताएं। अब देखिए बच्चों, पहले हम चित्र को देखते हैं, चित्र को समझते हैं, उसके बाद उसके नीचे में लिखी हुई पंक्तियों को देखेंगे। तो यहाँ जो पहला चित्र है उसमें चमेली के फूल की एक लता को दिखाई गई, दिखाया गया है एक लता। यहाँ लता की संख्या कितनी है? एक है। तो एक है अर्थात यहाँ पर इदम का, इदम जो है शब्द, मूल शब्द, उसका एक वचन, और यहाँ पर लता के साथ इयम का प्रयोग हो रहा है, अर्थात स्त्रीलिंग के साथ उसका प्रयोग हो रहा है सर्वनाम शब्द का, इसलिए यहाँ पर इयम, इयम का प्रयोग किया जा रहा है। और साथ अब हम पहले दूसरे चित्र के साथ भी उसका तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। तो दूसरे चित्र में देखिए बच्चों, दो लता दिख रही है, चित्र में आपको स्पष्ट हो रहा है एक लता बाईं तरफ है और दूसरी लता दाहिनी तरफ है इस चित्र में। तो यहाँ पर लता की संख्या कितनी है बच्चों? हाँ, यहाँ पर लता की संख्या दो है। अर्थात यहाँ जब हम लता के विषय में बात करेंगे तो लता का द्विवचन में होता है लते, और लता जो है स्त्रीलिंग है, तो इयम का भी जो यह सर्वनाम मूल शब्द है इदम से इमे हो जाएगा। उसके बाद के चित्र में देखिए बच्चों, बहुत सारी लताएं दिख रही हैं, अर्थात तीन या तीन से अधिक जब कोई वस्तु होती है या कोई शब्द होता है तो वहां पर जो है शब्द पद जो है वह बहुवचन का होता है। तो यहाँ पर जब बहुत सारी लताएं हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? लता। और इन लता जो है संज्ञा शब्द के साथ जब सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो इदम का लता जो है वह स्त्रीलिंग पद है। तो इस स्त्रीलिंग में इदम का बहुवचन इमाह हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लता के साथ इमाह का प्रयोग हो जाएगा। तो बच्चों आप लोगों ने इसे समझा कि इदम जो है, एक बार हम इसकी पुनः पुनरावृत्ति कर लेते हैं, इदम जो है वह सर्वनाम शब्द है और इदम का अर्थ यह होता है, और स्त्रीलिंग में यह एक वचन में इयम, इमे, एक वचन में इयम, द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमा होता है। और इसी तरह लता एक संज्ञा है और उसका भी हम जब शब्द रूप देखते हैं तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में लता, और जब दो लता है तो उसे लते कहते हैं, और लता जब बहुत सारी लताएं होती हैं तो उसे लता कहते हैं। अब चलिए बच्चों, हम पहले चित्र जो चमेली की लता के नीचे में पंक्ति लिखी हुई है उसको समझते हैं। इयम, इयम का अर्थ होता है यह, इदम के स्त्रीलिंग के एक वचन का शब्द है। इयम का अर्थ है यह, मल्लिका लता। देखिए बच्चों, लता जो है वह भी, लता मूल शब्द का एक वचन प्रथमा विभक्ति का पद है, लता का अर्थ होता है लता, मल्लिका लता, मल्लिका लता का अर्थ है चमेली की लता, चमेली के फूल की लता। तो यहां इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा यह चमेली के फूल की लता है। तो यहां यह भी कहा जा रहा है और चमेली के फूल की लता है, अर्थात इस पंक्ति में
इयम और मल्लिका लता दोनों ही एक वचन और एक वचन के पद हैं। दूसरे चित्र में बच्चों देखिए, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर दो चित्र दो बने हुए हैं, दो हैं, दो लताएं दिखाई गई हैं, दो लता दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर शब्द के द्विवचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो इदम, इदम का स्त्रीलिंग के द्विवचन में इमे होता है। इमे का अर्थ है ये दोनों। शोभने, शोभने बच्चों, यह शोभने भी जो है यह भी द्विवचन का पद है और यह विशेषण है और इसका अर्थ होता है सुंदर। लते, लते यह लता मूल शब्द के द्विवचन का पद है, अर्थात इस पंक्ति के सभी एक एक पद द्विवचन के हैं, क्योंकि यहाँ बात दो लता की कही जा रही है। तो इमे, शोभने, लते, ये दो सुंदर लताएं हैं। इसके बाद के चित्र में देखिए बच्चों, बहुत सारी लताएं आपको दिखाई दे रही हैं चित्र में। तो यहाँ जब इदम के स्त्रीलिंग के बहुवचन को हम देखते हैं तो इसका यहाँ पर दिया है इदम स्त्रीलिंग में एक वचन में तो इमे, द्विवचन में इमे, एक वचन में इयम, द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमा होता है। इमा या अर्थात ये सब। तो यहाँ भी नीचे चित्र के अनुसार जब बहुत सारी लताएं हैं तो इमा, इमा अर्थात ये, हरिता, हरिता यह भी विशेषण पद है, हरे रंग की लता, लताएं, लता जो शब्द है वह भी लता का बहुवचन पद है। लता का अर्थ होता है बहुत सारी लताएं, ये हरी बहुत सारी लताएं हैं। देखिए बच्चों, इन पंक्तियों में सभी, पहली पंक्ति में सभी शब्द इयम मल्लिका लता एक वचन के प्रयुक्त किए गए हैं, दूसरी पंक्ति जो इयम मल्लिका लता के बगल में लिखी हुई है इमे शोभने लते, अर्थात इसमें सभी पद द्विवचन के हैं और इमा हरिता लता, यहाँ इमा सर्वनाम, हरिता विशेषण और लता संज्ञा, ये सभी बहुवचन के हैं, अर्थात संज्ञा के अनुसार विशेषण का प्रयोग किया गया है और संज्ञा के अनुसार ही सर्वनाम का ही का भी प्रयोग किया गया है। अब हम चलते हैं हमारे स्क्रीन में, देखिए बच्चों, मूल शब्द इदम का नपुंसक लिंग, हमने इसके पहले के स्लाइड में इदम जिसका अर्थ यह होता है उसका स्त्रीलिंग के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के पद को तथा लता के एक वचन द्विवचन और बहुवचन के पद को देखे। अब इसके बाद हम इदम के नपुंसक लिंग के पद को देखते हैं। इदम के नपुंसक लिंग में एक वचन में होता है इदम, इदम का अर्थ यह होता है, द्विवचन में इमे, ये दोनों, और बहुवचन में इमानी, ये बहुत सारे या ये। अब देखिए बच्चों, नीचे चित्र में बहुत सारे हरे रंग की पत्तियां दिखाई दे रही हैं और इन पत्तियों की संख्या एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि बहुत सारी है, तीन से भी अधिक, दो से भी अधिक है। तो यह यहाँ पर हम पत्राणी, पत्र, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, पत्र मूल शब्द का जब हम नपुंसक लिंग में देखते हैं तो एक वचन में पत्रम, द्विवचन में पत्रे और बहुवचन में पत्राणी होता है। और यहाँ पत्राणी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि पत्तियों की संख्या दो से अधिक है,
बहुत सारी हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि इस पंक्ति के पंक्ति में इमानी हरितानी पत्राणी, इमानी का अर्थ है ये, इमानी यह, इदम का नपुंसक नपुंसक लिंग बहुवचन का पद है इमानी ये, हरितानी हरे, और हरितानी यह भी बहुवचन का ही पद है। पत्राणी पत्ते हैं, पत्राणी पत्र मूल शब्द का बहुवचन का पद है। तो इस पंक्ति का अर्थ हो जाएगा ये हरे रंग के पत्ते हैं। इसके बाद उस चित्र के बाजू में एक चित्र दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, और फूल को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, फूल को संस्कृत में पुष्पम कहा जाता है, और पुष्प का मूल शब्द पुष्प का जब हम एकवचन द्विवचन और बहुवचन देखते हैं तो वह पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। अब देखिए बच्चों, चित्र में एक दो फूल तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, यहाँ पर फूलों की संख्या दो से अधिक है, तो यहाँ पर पुष्प का बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जिसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है पुष्पाणी, बहुत सारे फूल। अब चलिए अब हम इसके पंक्ति को देखते हैं। इमानी इमानी जो है यह इदम नपुंसक लिंग के बहुवचन का पद है, इदम नपुंसक लिंग के एक वचन में इदम, द्विवचन में इमे, और बहुवचन में इमानी होता है। इमानी ये मनोहराणी सुंदर पुष्पाणी फूल हैं, ये बहुत सुंदर फूल हैं। देखिए बच्चों, इस पंक्ति में सभी शब्द नपुंसक लिंग बहुवचन के हैं, ये सुंदर फूल हैं, और यहाँ मनोहराणी और पुष्पाणी में मनोहराणी विशेषण शब्द है और पुष्पाणी विशेष्य शब्द है। मनोहराणी जो किसी भी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं, तो यहाँ पर पुष्पाणी की विशेषता मनोहराणी बताई गई है, तो मनोहराणी जो है वह विशेषण शब्द है, और पुष्पाणी जिस शब्द की जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पुष्पाणी जो है वह संज्ञा भी है और विशेष्य शब्द भी है। तो यहाँ देखिए बच्चों, दोनों ही पंक्ति में इमानी हरितानी पत्राणी नपुंसक लिंग बहुवचन के शब्दों का प्रयोग किया गया है, और इमानी मनोहराणी पुष्पाणी यहाँ पर भी सभी शब्द बहुवचन के ही हैं। तो इमानी हरितानी पत्राणी का अर्थ होता है ये हरे रंग की पत्तियां हैं, और इमानी मनोहराणी पुष्पाणी का अर्थ होगा ये सुंदर फूल हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं दूसरे हमारे अगले स्लाइड में। यहाँ पर तद तद यह भी सर्वनाम है, और तद का अर्थ होता है वह, और तद के नपुंसक लिंग में एक वचन में तत् अर्थात वह, द्विवचन में ते का अर्थ है वे दोनों, और बहुवचन में तानी तानी का अर्थ होता है वे सब। तो देखिए बच्चों, नीचे चित्र में एक तालाब का दृश्य दिखाया जा रहा है, तो यहां पर तालाब को संस्कृत में क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब, तालाब को संस्कृत में सरोवर कहा जाता है। तो सरोवर का संस्कृत शब्द सरोवरः होता है। अयम अयम जो है यह, इदम का पुलिंग एक वचन का पद है। अयम का अर्थ
यह होता है यह सरोवर, यह सरोवर है। इसके नीचे देखिए बच्चों, चित्र में एक तालाब दिखाई दे रहा है और उसमें बहुत सारे कमल के फूल लगे हुए हैं। यहाँ पर कमल के फूलों की संख्या एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि बहुत सारी हैं। अर्थात कमल के फूलों की संख्या के आधार पर यहाँ कमल का बहुवचन का शब्द प्रयुक्त होगा। अर्थात यहाँ पर कमलानी, कमलानी शब्द का प्रयोग किया जाए। और चलिए अब हम इसके वाक्य को देखते हैं। तत्र तानि मनोहराणि कमलानि। तत्र यह अव्यय शब्द है और अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिसका कहीं पर भी व्यय नहीं होता है। अर्थात यह सभी पुरुष, सभी लिंग और वचन में एक समान होते हैं, इन्हें अव्यय कहा जाता है। तो तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहां। तानी, वे, तानी जो है वह तद पुलिंग का बहुवचन का पद है। तानी का अर्थ है वे। मनोहराणी, मनोहराणी सुंदर। कमलानी, कमल है, क्योंकि यहां पर कमल की संख्या एक या दो नहीं है, इसलिए यहाँ एक वचन कमल का, एक वचन कमल का द्विवचन इसका प्रयोग न करकर कमल शब्द का बहुवचन अर्थात कमलानी का प्रयोग किया गया है। तत्र तानी मनोहराणी कमलानी, वहां वे सुंदर कमल हैं। एक बार और हम इन पंक्तियों के अर्थ को देख लेते हैं। अयम सरोवरः, यह सरोवर है, यह तालाब है। तत्र तानि मनोहराणि कमलानि, वहां वे सुंदर कमल हैं। इसके बाद इदम मूल शब्द, इदम जो सर्वनाम पद है इसका अर्थ होता है यह, इसके पुलिंग को देखते हैं। इदम के एकवचन में अयम, अयम का अर्थ होता है यह, द्विवचन में इमो, इमो का अर्थ होता है ये दोनों, बहुवचन में इमे, इमे का अर्थ होता है ये या ये सब। अब देखिए बच्चों, यहां चित्र के क्रम में सबसे पहला चित्र एक मोर का है। मोर की संख्या यहाँ एक है, अर्थात मोर को, मोर के संस्कृत में मोर को मयूरह कहा जाता है, तो मयूरह के एक वचन पद का ही यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ मयूर का एक वचन में मयूरह होता है, द्विवचन में मयूरव और बहुवचन में मयूराह, इस तरह से इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग होता है। तो चूंकि यहाँ पर मयूर की संख्या एक है, इसलिए यहाँ मयूर का एक वचन अर्थात मयूरह का प्रयोग किया गया है। और अयम, अयम जो है वह इदम पुलिंग के एक वचन का शब्द है, तो मयूरह जो है वह संज्ञा है और अयम जो है वह सर्वनाम है। तो संज्ञा के आधार पर यहाँ पर इदम का प्रयोग नहीं किया गया है, इयम का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अयम अर्थात पुलिंग एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो अयम मयूरह, यह मोर है। इसके बाद दूसरे चित्र में दो भौरे दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भौरों की संख्या दो है, इसलिए इदम का
देखिए बच्चों, द्विवचन, पुल्लिंग के द्विवचन में इदम जो मूल शब्द है उसका इमो शब्द हो जाता है, और भ्रमर, भ्रमर का भ्रमरह एकवचन में, और द्विवचन में भ्रमरव अर्थात दो भौरे। तो यहां संज्ञा पर आधारित सर्वनाम का भी प्रयोग किया गया है, तो यहां पर इदम के द्विवचन, संज्ञा जो है वह पुल्लिंग की है, इसलिए यहां पर इदम शब्द के पुल्लिंग में इदम का द्विवचन में इमो होता है, तो इमो भ्रमरौ, ये दोनों भौरे हैं। उसके बाद हम चौथे चित्र में देखते हैं बच्चों, यहां पर बहुत सारे कबूतर दिखाई दे रहे हैं, अर्थात कबूतर की संख्या 3 या 3 से अधिक, जहां पर भी वस्तुओं की संख्या 3 या 3 से अधिक होती है वहां पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां कबूतर को संस्कृत में कपोतः कहा जाता है, यहां बहुत सारे कबूतर हैं, इसलिए यहां कपोताह शब्द का प्रयोग किया गया है, और कपोताह जो है वह पुल्लिंग बहुवचन का पद है, इसलिए उसके साथ जुड़ा हुआ सर्वनाम पद भी इदम पुल्लिंग का बहुवचन का अर्थात इमे का प्रयोग किया गया है। इमे का अर्थ है ये कपोताह, बहुत सारे कबूतर हैं, ये बहुत सारे कबूतर हैं। उसके बाद ये सभी बच्चे, देखिए बच्चों, इन सभी में अयम मयूरः, दोनों पद पुल्लिंग एकवचन के हैं, इमो भ्रमरौ इस पंक्ति के दोनों पद द्विवचन के हैं, इमे कपोताह इस पंक्ति के दोनों पद पुल्लिंग बहुवचन के हैं। अब हम तीसरे चित्र को देखते हैं, यहां पर हमें बहुत सारी तितलियां दिखाई दे रही हैं, और तितली को संस्कृत में तितलिका कहा जाता है, यहां पर भी बहुत सारी तितलियां हैं, इसलिए तितलिका का बहुवचन में तितलिका होता है, इसलिए यहां तितलिका शब्द का प्रयोग किया गया है, और तितलिका जो है वह स्त्रीलिंग का पद है, इसलिए उसके साथ जुड़ने वाले सर्वनाम को भी स्त्रीलिंग, इदम के स्त्रीलिंग के एकवचन में इयम, इमे और इमा होता है, और तितलिका जो है वह बहुवचन का पद है, इसलिए इमा का प्रयोग किया गया है, तो इमा तितलिका, ये बहुत सारी तितलियां हैं। और देखिए बच्चों, उसके बाजू में जो चित्र है कबूतर का, जिसे संस्कृत में कपोता कहा जाता है, और कपोता जो है वह पुल्लिंग शब्द है, तो कपोता, कपोता का बहुवचन कपोता होता है, तो इसलिए कपोता के साथ जब इदम सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा तो वह भी पुल्लिंग बहुवचन का होना चाहिए, इसलिए कपोता के साथ इमे का प्रयोग किया गया है। अयम मयूरः का अर्थ है यह मोर है, इमो भ्रमरौ ये दो भौरे हैं, इमा तितलिका ये बहुत सारी तितलियां हैं, इमे कपोता ये बहुत सारे कबूतर हैं। अब इसके बाद हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। उपवनम, उपवनम का अर्थ होता है बगीचा, मल्लिका लता, चमेली की बेल या चमेली की लता, भ्रमरौ दो भौंरे, तितलिका तितलियां। अब इसके उपरांत देखिए बच्चों, पहले हम चित्र को देखते हैं, चित्र से समझना आसान हो जाएगा। इस चित्र में आप सभी को एक वृक्ष दिख रहा है, यह वृक्ष किसका है?
हाँ, यह वृक्ष अशोक का वृक्ष है और इसे संस्कृत में अशोक वृक्ष कहा जाता है। और अशोक वृक्ष जो है वह पुल्लिंग पद है, इसलिए यहां पर इदम सर्वनाम के पुल्लिंग एकवचन अयम शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक वृक्ष यह संज्ञा शब्द है और यह पुल्लिंग है। इसके साथ में जो सर्वनाम प्रयुक्त किया जा रहा है वह भी पुल्लिंग में होना चाहिए, इसलिए इदम सर्वनाम के पुल्लिंग एकवचन में इदम का अयम होता है, इसलिए यहाँ अयम, तो यह पंक्ति है अयम अशोक वृक्ष, यह अशोक वृक्ष है। अब इसके उपरांत हम देखते हैं इदम पुल्लिंग। इदम मूल शब्द है, इसका पुल्लिंग में अयम, एकवचन में अयम अर्थात यह, द्विवचन में इमो अर्थात ये दोनों, और बहुवचन में इमे अर्थात ये सब। वृक्ष मूल शब्द, इसका एकवचन में वृक्ष, द्विवचन में वृक्षो और बहुवचन में वृक्षा। वृक्ष का अर्थ है एक वृक्ष, वृक्षों का अर्थ है दो वृक्ष, और वृक्षा का अर्थ है बहुत सारे वृक्ष। अब चलिए बच्चों, अब हम चित्र को देखते हैं। हमारे पहले चित्र में एक बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है और बरगद के वृक्ष को संस्कृत में वट वृक्ष कहा जाता है, और वृक्ष पद जो है वह पुल्लिंग का पद है, पुल्लिंग एकवचन का है, इसलिए इसके साथ इदम सर्वनाम के पुल्लिंग एकवचन को प्रयुक्त किया गया है। अयम वट वृक्ष, यह बरगद का वृक्ष है। उसके बाद दूसरे चित्र में यहाँ नीम के दो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अर्थात वृक्षों की संख्या दो है, इसलिए वृक्ष का वृक्ष मूल शब्द का द्विवचन वृक्षों का प्रयोग किया गया है, और नीम के वृक्ष को संस्कृत में निम्ब वृक्ष कहा जाता है, और नीम के वृक्ष का जब हम वृक्ष का द्विवचन लेंगे तो वृक्षों, और दो नीम के पेड़ को निम्ब वृक्षों कहा जाएगा। इमो निम्ब वृक्षों, ये दो नीम के वृक्ष हैं। उसके बाद के चित्र में अर्थात तीसरे चित्र में देखिए बच्चों, बहुत सारे आम के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आम के वृक्षों की संख्या दो से अधिक अर्थात तीन या तीन से अधिक होने पर वह शब्द जो है बहुवचन में प्रयुक्त होने लगता है। तो यहाँ वृक्ष एकवचन, द्विवचन में वृक्षों और बहुवचन में वृक्षा, बहुत सारे आम के वृक्ष अर्थात आम्र वृक्षा, इमे आम्र वृक्षा, ये बहुत सारे आम के वृक्ष हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, यहां भी पहले हम चित्र को देखते हैं, बहुत सारे आम के वृक्ष हैं और उन वृक्षों में बहुत सारे फल लगे हैं, जो जिसे देखकर हमारा मन उसे खाने के लिए ललायत हो उठता है। बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों, आम का फल। हाँ, अब हमें आम के फल खाने को मिलेंगे। इमे हरिता वृक्षा, ये हरे रंग के वृक्ष हैं। हरिता जो है यह विशेषण पद है, इमे यह सर्वनाम है और वृक्षा यह संज्ञा है। इमे हरिता वृक्षा, ये हरे रंग के वृक्ष हैं। इमानी मधुराणी फलानी, ये मधुर फल हैं, ये मीठे फल हैं। कौन से फल? ये आम के फल, ये आम के फल मीठे हैं। वृक्षा अस्माकं मित्राणि, वृक्ष अस्माकं हमारे मित्राणि मित्र हैं। ते वे प्राण वायुदायका, वे
प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन दायका देते हैं। अत्र भ्रमणम सुखदायकम आरोग्यदायकम च। अत्र यह अव्यय पद है, भ्रमणम घूमना, सुखदायकम सुख देने वाला, आरोग्यदायकम स्वास्थ्यदायक च। और यहाँ घूमना, यहाँ कहाँ बच्चों? उद्यान में। यहाँ घूमना सुखदायक और स्वास्थ्यदायक होता है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ चित्र में वृक्षारोपण किया जा रहा है, वृक्ष का रोपण कर रहे हैं, तो इससे संबंधित यहाँ कुछ बातें कही जा रही है, उसे हम देखते हैं। वृक्षाणाम रोपणम फलदायकम। वृक्षाणाम अर्थात वृक्षों का, रोपणम रोपना लगाना, फलदायकम फलदायक होता है। वृक्षों को लगाना रोपित करना फलदायक होता है। यथा महाभारते लिखितम, यथा का अर्थ होता है जैसा कि, यथा जो है वह अव्यय शब्द है। महाभारते जो हमारे ग्रंथ हैं, महाभारत, महाभारते महाभारत में लिखितम लिखा गया है, जैसा कि महाभारत में लिखा गया है। वृक्षाणाम कर्तनम पापम, वृक्षाणाम रोपणम हितम। वृक्षों को काटना पाप है और वृक्षों का रोपण करना हितकारी है। इसके बाद कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को हम देख लेते हैं। प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन सुखदायकम सुख देने वाले हैं, रोपणम उगाना, कर्तनम काटना, हितम उपकार। अब यहाँ हमारा जो हमने जो सीखा, इदम मूल शब्द के प्रथमा विभक्ति के पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के पदों को दिखाया गया है, इसे स्लाइड से आप स्क्रीनशॉट करके भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, आज हमने संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखा। तो संज्ञा यदि पुल्लिंग की है तो उसके साथ सर्वनाम भी पुल्लिंग का प्रयोग किया गया। संज्ञा यदि स्त्रीलिंग की है तो उसके साथ जो सर्वनाम है वह भी स्त्रीलिंग का है, और साथ में विशेषण भी लिंग के आधार पर है। और इसी तरह वचन आधारित भी शब्दों का एक पंक्ति में प्रयोग किया गया है। तो हमने इसे जाना और समझा, तो इससे संबंधित कुछ अभ्यास कार्य हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चित्रों की सहायता से दीजिए। बच्चों आप सभी अपना माइक ऑन कर लीजिए या चैट बॉक्स से भी आप अपना उत्तर दे सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अयम कह, इस चित्र में एक मोर दिखाया गया है। अयम यह कह, यह कौन है? अयम क्या होगा बच्चों? मोर को संस्कृत में मयूर कहा जाता है, तो मयूर का पुल्लिंग एक वचन में क्या होगा? हाँ बहुत अच्छा, मयूर का एक वचन में मयूरह होता है, तो यहां होगा अयम मयूरह। ख प्रश्न, इमो कौ, इमो कौ द्विवचन के पद है, ये दोनों कौन है? चित्र में दो मोर दिखाई दे रहे हैं, तो यहां इमौ क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सही जवाब, यहाँ इमौ मयूरौ होगा। अब हमारा ग प्रश्न है, यहाँ पर चित्र में देखिए बच्चों, बहुत सारे मोर दिखाई दे रहे हैं, इमे के, ये कौन है? इमे क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ मयूराह आएगा, ये मयूर हैं, ये बहुत सारे मोर हैं। घ प्रश्न, इमानी कानी,
ये सभी शब्द नपुंसक लिंग बहुवचन के हैं। इमानी कानी ये क्या है? इमानी, देखिए बच्चों चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, कमल का फूल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कमल के फूल हैं, तो कमल को संस्कृत में कमलम कहा जाता है और कमल का बहुवचन क्या होगा? कमलम कमले कमलानी, अर्थात बहुत सारे कमल, इमानी कमलानी। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क रिक्त स्थान आम्र वृक्ष, अयम इदम इयम, यहाँ अयम आएगा। घ प्रश्न, हाँ इसके बाद हमारा जो ख प्रश्न है, रिक्त स्थान हरिता लता इदम इमा इमानी। ग प्रश्न, रिक्त स्थान सरोवरः इयम इदम अयम। घ रिक्त स्थान भ्रमरौ इदम इमो इमा। इन प्रश्नों को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करिए और अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराइए। इसके बाद इस चित्र के माध्यम से मैं आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए एक महोदय के द्वारा यहाँ चित्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। तो आप सभी भी प्रत्येक बच्चे और शिक्षक और सभी नागरिक वृक्षारोपण करें, और वृक्षारोपण ही ना करें बल्कि उसकी सुरक्षा का भी दायित्व उठाएं। अर्थात वृक्षारोपण तो व्यक्तियों के द्वारा कर दिया जाता है पर उसकी सुरक्षा नहीं की जाती है, जिसके कारण वे रोपित हुए पौधे भी मर जाते हैं। तो इसलिए आप सभी को मैं आज इस मंच के माध्यम से यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी वृक्षारोपण करें और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी को निभाएं। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।